हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास फोर्थ के लिए हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है वी सेंस थिंग्स। ठीक है, जो पार्ट वन है आज हमारा, आज हम इस चैप्टर के सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हम इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप जो सेंस सुपर सेंसेस जो एक चैप्टर है क्लास फिफ्थ का, जो हमने वीडियो डाला है क्लास फिफ्थ ईवीएस के प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां से आपको जो हमारे सेंस है, सेंस ऑर्गन्स है, उनके बारे में और डिटेल के बारे में पता लग जाएगा। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गन्स के बारे में। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, दिन में हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, उनको हम क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको चलना है तो आपके लेग्स काम करेंगे, अगर आपको देखना है तो आपकी आईज काम करेंगे, अगर आपको सुनना है तो आपके ईयर्स काम करेंगे, अगर आपको किसी चीज़ को स्मेल करना है कि उसकी खुशबू अच्छी है या फिर गंदी है, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, आपका नाक डिसाइड करेगा। अगर आप किसी चीज़ को खा रहे हो, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या कैसा भी है टेस्ट में, तो वो कौन बताएगा, आपकी टंग बताएगी, आपकी जीभ बताएगी। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ठंडी है या कोई भी चीज़ गर्म है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगी आपकी स्किन। क्लियर है, तो हम बात करेंगे हमारे उन फाइव सेंस ऑर्गन्स के बारे में जो हमें सेंस करवाते हैं कि गर्मी है, ठंडी है, कोई खुशबू अच्छी है या फिर बुरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे अभी क्या हुआ है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है कि अभी क्या है, मौसम बाहर का कैसा है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और बहुत गर्म है, ये हमें कौन बताता है, हमारी स्किन से पता लगता है। कहाँ से पता लगता है, हमें हमारी स्किन से पता लगता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम मूव करेंगे हमारे उन फाइव सेंस ऑर्गन्स के बारे में जो हमें सेंस कराते हैं हमारे सराउंडिंग्स के बारे में, कि हम किस टाइप का सुन रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन फाइव मेन सेंस ऑर्गन्स के बारे में जो हम हमारे अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो कितने होते हैं, फाइव होते हैं। कौन कौन से, हमारी आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, ये हमारे क्या हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, हमारी आईज, हमारी आंखें हमें कलर्स दिखाती है। क्या दिखाती है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाने का काम करती है। ये जो हमारा इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ठीक है, वैसे तो अभी हमने यहाँ पे कचरा वगैरह फैला के पूरा पोल्यूट कर दिया है, ठीक है, बट फिर भी अगर हम इसको अभी और साफ करें और अगर हम सफाई की आदत डालें, ठीक है, तो ये हमारी जो वर्ल्ड है और जितना नेचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। क्लियर है, तो अगर हम जितना साफ सफाई रखें और साफ सफाई रखने के बाद में हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है, अगर हम हमारी क्लास में कूड़ा कचरा ना फैला के जो हमारे पास पेपर होते हैं, किसी चॉकलेट के रेपर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो चीज़ें, पेंसिल का जो वेस्ट होता है, जितना भी जो चीज़ें हैं, अगर हम उसको डस्टबिन में डालें और हम देखें अगर हमारी क्लास जो है वो एकदम साफ सुथरी हो, तो हमें वहाँ पर बैठने में और वहाँ पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर है, ये हम किसकी वजह से देख पाते हैं, ये हम हमारी आंखों की वजह से देख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, नोज के बारे में। अगर मान लो घर पे कोई सब्जी वगैरह बन रही है, घर पे कोई मिठाई बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ आज घर में इसका हलवा बन रहा है, दाल का हलवा बन रहा है या गाजर का हलवा बन रहा है या पकौड़े बन रहे हैं या फिर मटर पनीर की सब्जी बन रही है, जो भी बन रहा है वो सब कुछ आपको वहाँ से क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं हम ईयर्स के बारे में, तो हमारे जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, सुनने में मदद करते हैं। अगर पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अगर पास वाले घर में किसी की शादी है और शादी होने के साथ साथ में अगर वो डीजे वगैरह बज रहा है, तो आपका ध्यान अपनी पढ़ाई से हटेगा और उस गाने पे ध्यान चला जाएगा, आप अपनी बुक्स बंद करके वहीं पर नाचना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, टंग के बारे में, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है। जीभ क्या काम करती है, हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को खाया तो वो चीज़ खट्टी है, मीठी है, उसका टेस्ट कैसा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्पाइसी है, ठीक है, ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें हमारी टंग से पता लगता है।
क्लियर है। लास्ट है हमारी स्किन। हमारी स्किन से हमें पता लगता है कि बाहर जो भी कोई चीज़ है वो ठंडी है या गर्म है, ये हम किसके थ्रू सेंस कर पाते हैं, ये हम हमारी स्किन के थ्रू अच्छे से सेंस कर पाते हैं। क्लियर है। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट टू, तो उसके अंदर हम जानेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो, उनकी डेफिनेशन के बारे में, ये जितने भी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हम उनका ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, कुछ वो खराब ना हो जाए। क्लियर है। आजकल हम देखते हैं हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन, और फ़ोन यूज़ करने की वजह से हमारी आँखें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप मेरे चश्मे की तरफ देख रहे हो, है ना, तो चश्मा तो मेरी एज के साथ लग गया है ना, तो पहले नहीं था बट अभी लगा है, तो बट आज कुछ छोटे बच्चों को आप देखते हो तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कम उम्र के अंदर ही चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत कम उम्र से क्या करते हैं, फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स है, हमें इनका बहुत अच्छे से क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी प्रॉपर बॉडी क्या करे, प्रॉपरली वर्क करते रहे। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इनमें आपको कोई डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, हमने आज इंट्रोडक्शन लिया है इस पार्ट का, कल से हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।